हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति जेटली आज अपनी नई रेसिपी के साथ आई हूँ। आज हम घर पर ही रेस्टोरेंट स्टाइल चीज़ी मशरूम ड्यूप्लेक्स बना रहे हैं। चलिए हम बनाना शुरू करें। 200 ग्राम मशरूम लिया है। मशरूम को हम बाउल में डालेंगे और अच्छी तरह वॉश करेंगे। मशरूम हमने वॉश कर लिए, इनकी जो पीछे की डंडी होती है उसे तोड़ लेना है हमने। उसके बाद जो हमने तोड़ी उसे हमने रफली चॉप करना है चॉपर में डालकर। इसे हमने चॉपर में डालकर चॉप कर लेना है। सारे हमारे चॉप हो चुके। अब हम उसी तरह प्याज रफली काट कर चॉप करेंगे। उसमें कुछ लहसुन की कलियां डाल रही हूँ और हरी मिर्च अपने स्वाद के अनुसार डालेंगी। इसे भी चॉप करेंगे हम। प्याज भी हमारे चॉप हो गए। जो आप वेजीज पसंद करती हो वो वेजीज डालें। मैंने इसमें बीन्स डाली है और थोड़े से कॉर्न्स मैं डाल रही हूँ इसमें। आप इसकी जगह शिमला मिर्च या टमाटर भी डाल सकती हैं। इसे भी हमने रफली चॉप कर लिया। इसे प्याज के साथ मिक्स करेंगे। आधा कटोरी के बराबर मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ डाला है। अब कुछ मसाले डाल रहे हैं। सबसे पहले चिली फ्लेक्स, ऑर्गेनो, इटालियन सीजनिंग, नमक अपने स्वाद के अनुसार। इन सभी को अब मिक्स करेंगे। सभी हमने मसाले अच्छी तरह मिक्स कर दिए। 2 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ा है उन्हें। दूसरी तरफ हमने कॉर्नफ्लोर लिया। कॉर्नफ्लोर 2 से 3 चम्मच है। इसमें पानी डालकर इसकी अच्छी विस्लेरी तैयार करनी है हमने। अब हम मशरूम उठाएंगे और इसमें फिलिंग भरेंगे। फिलिंग थोड़ी सी दबा कर भरेंगे कि अच्छी तरह सेट हो जाए इसमें। इसी तरह सब मशरूमों में हमने फिलिंग भरनी है। सभी हमारे तैयार हैं। दोनों मशरूम उठाए हमने और इसे बीच में से दोनों को सटाकर दबाया और हम इसमें स्टिक लगा रहे हैं। टूथपिक आप प्लास्टिक वाली ना लगाएं, लकड़ी वाली टूथपिक जो आती है वो लगाएं। इसलिए लगाते हैं कि ये जब हम ऑयल में डालेंगे तो खुलेगा नहीं। अब हम विस्लेरी में डालकर कोट करेंगे। विस्लेरी में डालकर हमने अच्छी तरह कोट कर दिया। अब हम इसे ब्रेड क्रम्ब से भी कोट करेंगे। इसी तरह सभी मशरूम हमने कोट कर लेने हैं। सभी मशरूम हमारे कोट हो चुके। इसे हमने 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखना है। 10 मिनट के बाद हमने निकाला और इन्हें अब हम डीप फ्राई कर रहे हैं। ऑयल हमारा पहले से गर्म है। जितने डल सकते हैं उतने डालेंगे कढ़ाई में, ज़्यादा भी नहीं डालेंगे। एक तरफ से सिक चुके हैं, इन्हें मीडियम आंच पर पलट पलट कर अच्छी तरह सेकेंगे। ये सिक गए, इसे हमने हरी चटनी के साथ सर्व किया है। चीज़ी मशरूम ड्यूप्लेक्स बनकर तैयार है। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। आप भी ज़रूर कोशिश करें एक बार इसे बनाने की। ये बहुत ही आपको पसंद आएगा और साथ साथ आपके बच्चों को भी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।